10 स्टूडेंट आज भी हम इस एक्सरसाइज के डिफिकल्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ए बी सी डी ये हमारा ट्रैक है, इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 106 और इसकी जो इंटीरियर रेडियस है वो है 30। इसके बाहर की तरफ है ये 10 मीटर, तो एक्सटीरियर रेडियस होगी हमारी 40। बढ़िया। अब हमने सबसे पहले निकालना है लेंथ ऑफ द ट्रैक। देखो हम लोग लेंथ निकालना चाहते हैं, तो एक तो हमें ए डी चाहिए, एक हमें सी डी चाहिए और एक ये स्मॉल सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस चाहिए और एक हमें इस सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस चाहिए। तो ये हमारी लेंथ ऑफ द ट्रैक हो गया 106 प्लस 106। सर्कमफेरेंस निकालने के लिए सेमी सर्कल का हमारा फार्मूला होता है पाई आर, आर इसमें फैक्टर के लिए है, ऐसे ऐसे हमारे पास दो हैं तो दो से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा 2804/7 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रैक। अब हमने एरिया निकालना है, ये हमारा एरिया निकालने का फार्मूला है। इसका एरिया चाहिए हमें, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है ए बी जी एच, इसका एरिया हम निकाल लेंगे। लेंथ हो गई हमारे पास 106, ब्रेथ हो गई हमारी 10, तो ये हमारा एरिया हो गया 106 × 10 1060। इसी तरह से दूसरा हमारा रेक्टेंगल बन गया डी सी एफ ई, इसका एरिया भी हमारा 106 × 10। फिर हमें चाहिए ये वाला एरिया, इसके भी हम एक्सटर्नल निकालेंगे एरिया, इसमें से इंटरनल को माइनस करेंगे, इस पोर्शन का एरिया जाएगा, ऐसे ही हमारे दूसरे पोर्शन का एरिया जाएगा, इनको हम ऐड कर देंगे तो वो एरिया ऑफ ट्रैक का जाएगा। तो 106 × 10 + 106 × 10 हाफ सर्कल का एरिया होता है 1/2 πr². बड़े सर्कल के लिए आपने बड़ी आर लेनी है, छोटे सर्कल के लिए आपने छोटी आर, πr² − πr², तो ये हमारा एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, शेडिंग क्वेश्चन। ऐसे ऐसे दो क्वेश्चन है इसलिए हमने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैलकुलेशन करके हमारी आ गई 4320 m². अब इसी तरह से हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वाड्रेंट है ए सी बी, इसमें एंगल 90 डिग्री का है और इसकी रेडियस 3.5 है। फिर हमारी ये ट्रायंगल है बी ओ बी, इसमें परपेंडिकुलर टू सेंटीमीटर बेस 3.5 सेंटीमीटर है, हमने शेडिंग पोर्शन का एरिया का, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें से हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे 1/2 × perpendicular × base, तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा 49/8 cm². अब ये आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हुई। आपने इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर बुक पर करना है, जब भी आप स्कूल में आएंगे चेक करवाना है। दैट्स ऑल।